दोस्तों, आप वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी नयन सिंह रावत का नाम सुना है? ये एक इंडियन ट्रेवलर और एक्सप्लोरर हैं, जिन्होंने सिर्फ पैदल चलकर काठमांडू, ल्हासा, तिब्बत, मानसरोवर और तमाम ईस्ट इंडिया का नक्शा बनाया। हैरानी की बात तो ये है कि आज भी ज्योग्राफिकल सोसाइटी इनके नाम का लोहा मानती है, क्योंकि इनके बताए हुए नेविगेशन आज तक सबसे एक्यूरेट और परफेक्ट माने जाते हैं। इनका जन्म 1830 में कुमाऊं में हुआ और ये ब्रिटिश सरकार में एक सर्वेयर का काम करते थे। वो 33 इंच की रस्सी अपने पैरों में बांधकर चलते थे। जैसे ही 2000 स्टेप्स पूरे होते तो वो उसको एक मील मान के नोट किया करते थे। और ये उनकी इंटेलिजेंस का नतीजा है कि इतना एक्यूरेट नक्शा तैयार हो पाया। इस एक्सपीडिशन में वो 16 साल घर से दूर रहे। लोगों ने मान लिया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी हर साल उनके लिए ऊन का स्वेटर और कोट बनाया करती थी। जब वो 16 साल बाद घर आए तो सब बहुत खुश हुए और उनकी पत्नी ने उन्हें अपने हाथ के बनाए वो 16 स्वेटर और कोट दिए। बहुत ही अफसोस की बात है कि दुनिया एक्सप्लोरर के नाम पर सिर्फ वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस तक ही जानती है। भारतीय होने के बावजूद हम अपने ही भारत के ऐसे दिग्गज ट्रेवलर के बारे में नहीं जानते थे। नयन सिंह रावत के इस योगदान की हम सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एक भारतीय होने के नाते ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।